नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश सिंह और आप देख रहे हैं लाइव उत्तर प्रदेश। समाजवादी पार्टी ने वाराणसी से अपना उम्मीदवार बदल दिया है। समाजवादी पार्टी ने यहां पहले से घोषित शालिनी यादव की जगह बीएसएफ से बर्खास्त जवान तेज बहादुर यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है। तेज बहादुर यादव यहां से गठबंधन के प्रत्याशी होंगे। आप भी देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सपा के प्रदेश प्रवक्ता मनोज राय धूपचंडी बीएसएफ के बर्खास्त जवान तेज बहादुर यादव के साथ पर्चा दाखिल कराने पहुंचे। धूपचंडी ने कहा कि तेज बहादुर पार्टी के प्रत्याशी होंगे। धूपचंडी ने कहा कि पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी में बीएसएफ के बर्खास्त जवान तेज बहादुर यादव सपा के प्रत्याशी होंगे। उन्होंने कहा कि सपा की अब तक घोषित प्रत्याशी शालिनी यादव अपना नामांकन पत्र वापस ले लेंगे। बता दें कि सैनिकों को मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए वीडियो वायरल करने वाले तेज बहादुर को बर्खास्त कर दिया गया था। तेज बहादुर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भी अपना पर्चा पहले ही दाखिल कर चुके हैं। वहीं नामांकन के अंतिम दिन सोमवार को वाराणसी में पर्चा दाखिल करने वालों और उनके समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा। कांग्रेस के अजय राय, सपा की शालिनी यादव और रामराज परिषद की ओर से श्री भगवान का जुलूस एक साथ पर्चा दाखिल करने पहुंचे। ओलंपियन पद्मश्री हॉकी खिलाड़ी मोहम्मद शाहिद की बेटी हिना भी अपना नामांकन करने पहुंची। उन्हें जनहित भारत पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ लाइव उत्तर प्रदेश लखनऊ।